दोस्तों नमस्कार, मैं बृजेश यादव आपके अपने YouTube चैनल बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि आपका पार्ट नंबर 8 होगा। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपका निरंतर पैटर्न श्रृंखला होगा, यानी कि कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीखेंगे। ये जो टॉपिक हो आपका रीजनिंग का, जो आपका सीरीज चैप्टर है, ये उसमें का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आइए, सामने क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दिया है दोस्तों, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर ओपी खाली स्थान, एम ओ खाली स्थान, एन फिर डबल खाली स्थान, पी है फिर एन, एम ओ पी फिर खाली स्थान। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके पास ऑप्शन होगा, पहले उस ऑप्शन को पुट करिएगा, उसके बाद पुट करने के बाद ये चेक करिएगा कि क्या कोई श्रृंखला प्राप्त होती है क्या। अगर वो ऑप्शन पुट करने के बाद कोई श्रृंखला प्राप्त होती है, यानी कि वो ऑप्शन सही है, तो इसमें हार्ड इसलिए लगता है, समय ज्यादा लगता है। सबसे पहले इसको पुट करिए इसमें, उसके बाद देखिए कि ये कोई श्रृंखला बन रही है कि ना। जब श्रृंखला बन रही है यानी कि क्वेश्चन सही है, तो सबसे पहले पुट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसी को पुट करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यहां पर डैश ओ है, ये आपका पी, फिर खाली स्थान यम ओ, खाली स्थान यन, फिर खाली स्थान दो, फिर पी है यन एम ओ पी, फिर खाली स्थान। पहला स्थान अगर आप पहला ऑप्शन पुट करेंगे, यानी कि यम यहां पर यन होगा, फिर आगे पी होगा, फिर अगले पर यम, फिर यन, यम के बाद ओ, फिर लास्ट में यन। अब दोस्तों देखिए कोई सीरीज प्राप्त हो रही है क्या, यम ओ पी एन, यानी कि यहाँ पे चार देखिए, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, ये सीरीज प्राप्त हो रहा है, यम ओ पी एन, फिर यम ओ पी एन। यहां पर देखेंगे दोस्तों कि जब ऑप्शन ए को हम लोगों ने पुट किया, जब इस ऑप्शन को इसमें पुट किया, तो हमको सीरीज प्राप्त हो रहा है यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, यम ओ पी एन, ये सीरीज यानी कि रिपीट हो रही है। यानी कि ये चीज क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही सही होगा। यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमने क्या पुट किया, यम किया, फिर यन किया, फिर पी किया, फिर यम, फिर ओ, फिर यन, यानी कि क्या है, यम एन पी, यम एन पी, यम एन पी, यम ओ एन, यम ओ एन, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगा जिससे आपका समय कम लगे, क्योंकि इसकी बहुत तरीका है, लेकिन कई तरीके से करेंगे समय की बहुत अभाव रहता है। जब आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक भी देंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि समय का कितना बड़ा रोल होता है वहां पर। इसलिए अभी घर पे अभी वक्त है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से मेहनत करिए। किसी भी चीज में कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए, आपको जरूर दिक्कत किया जाएगा, जो भी आपकी समस्या हो उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो कोई भी सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो या फर्स्ट ईयर भी हो, अगर 18 साल पूरा हो गया है तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, यूपी ट्रिपल एससी पेड का फॉर्म भर लो, अभी भर लो, क्योंकि अभी भर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, अन्यथा आगे आपको बहुत, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो। लेकिन हाँ, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनका 18 वर्ष है वो लोग जरूर भरे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, यहाँ पर खाली स्थान है, फिर टी यू, फिर खाली स्थान आर है, फिर टी खाली स्थान यस, फिर डबल खाली स्थान यू, यस आर टी यू, फिर खाली स्थान। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन को भर कर चेक करिए कि कोई सीरीज प्राप्त हो रहा है क्या। जब कोई सीरीज प्राप्त होगा तो जो ऑप्शन आपने पुट किया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका ये डी आंसर होगा, तो मैं डायरेक्ट डी पुट करके चेक करता हूँ, क्योंकि इन सबको पुट करके चेक कराऊंगा तो काफी समय लगेगा और यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले डी ऑप्शन इसका सही होगा, मैंने किया, तो इसमें पुट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पुट करेंगे और क्या आपका आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको एक बार नीचे यहाँ पर लिख लीजिएगा, खाली स्थान है आपका टी, फिर यू, फिर खाली स्थान आर टी, खाली स्थान फिर डबल, फिर यू यस
आर टी यू फिर खाली स्थान। डी को पुट करेंगे तो क्या है जाएगा, आर सबसे पहले, फिर यस, फिर आपका यू है, फिर आपका आर है, फिर टी है, लास्ट में यस है। दोस्तों आप देखिए जरा कोई सीरीज बन रहा है क्या, आर यहाँ पर है फिर दोबारा आर यहाँ पे है, यानी कि आर टी यू यस, आर टी यू यस, आर टी यू यस, आर टी यू यस, ये आपको सीरीज बन रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी पुट करने पर जो आपका सीरीज प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, आर टी यू एस। बस कोई भी ऑप्शन पुट करिए, मैं यहाँ पर अगर तीन पुट करता तो काफी समय लगता, पुट करता अगर सीरीज नहीं बनता मिटाना पड़ता तो उसमें काफी वक्त लगता, इसलिए ये ऑप्शन आपका डी ये सही है, इसलिए डायरेक्ट मैंने पुट किया और आपको दिखा दिया कि कौन सा सीरीज बन रहा है, कैसे पुट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकला, हम लोग आर यहाँ पर पुट किए, फिर यहाँ पर यस, फिर यू, फिर आर, फिर टी, फिर यस, यानी कि यस यू, यस आर, यस यू, आर यस यू, आर टी यस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो ऐसे ही दोस्तों और क्वेश्चन देखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों इसका और एक वीडियो आएगा, उसके बाद आपका रीजनिंग में सीरीज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा जो आप प्रैक्टिस करेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो, क्योंकि जितने स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम में जितना चैप्टर यहाँ पर पढ़ाऊंगा उतना का टेलीग्राम में वहां पे कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा या तो व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है या किस क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको समझा देंगे। और व्हाट्सएप नंबर अगर आप लोग को सही है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7068987204। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है या कोई जानकारी चाहिए तो ही पूछे, केवल रीजनिंग से संबंधित या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप लोग जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरना चाहते हैं या कोई भी दिक्कत है सिलेबस से लेकर या कुछ भी तैयार नहीं है या नोट्स पाना चाहते हैं तो हमसे जरूर बताइएगा, हमारे पास जो भी कुछ है मैं आपके पास शेयर करूंगा, क्योंकि टेलीग्राम में नहीं शेयर करना रहता है क्योंकि उसमें ज्यादा लोग डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल से जुड़े हैं और उसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी नहीं करना चाहते हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि मैं जब डिप्लोमा क्लियर हो जाए उसके बाद ही तैयारी करूं, तो वैसे ही लोग पछताते हैं। अभी वक्त है बाबू, समय निकाल के पढ़ लो, अन्यथा वक्त वक्त का इंतजार नहीं करता, अब वक्त निकल जाएगा तो जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि वक्त रहते मैंने वक्त का सही उपयोग नहीं किया। तो इसलिए अभी आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं अपनी अनुभव शेयर करता हूँ कि हाँ स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों के साथ ही क्या चल रही है, ऐसा क्या आप लोग के साथ घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हो कोई ज्यादा समय, उस पर भी समय दो और इस पर भी समय दो। और एक चीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि कितने लोग किस जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, तो सबसे पहले आप फर्स्ट चांस पे किसको रखते हो, जैसे मान लीजिए किसी का फेवरेट है कि मैं आरआरबी जेई बनूंगा, एसएससी जेई बनूंगा, बहुत लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, उस हिसाब से मैं आगे क्लासेज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैथ की क्लासेज अभी नहीं चल रही है, मैं सोच रहा हूँ इस महीने के लास्ट तक क्लासेज स्टार्ट की जाए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड लगने वाला है, जैसे लगेगा क्लासेज उस पर चलेंगी। तो इसलिए ये कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस एग्जाम की, यानी कि आप जेई में किस एग्जाम की सबसे पहले तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है ए बी सी ए, फिर आपका गैप है, फिर बी सी ए, फिर ए बी, फिर गैप है, फिर सी ए, फिर गैप, डबल बी सी गैप, फिर ए है। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, डबल सी डबल ए, डबल बी डबल ए, ए बी ए सी, ए डबल बी ए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ऑप्शन पुट करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे जिससे पुट करने में आसानी हो। यहाँ पर ए दिया है ए बी सी, फिर ए, फिर खाली स्थान, फिर आपको बी सी ए डबल ए है, फिर बी खाली स्थान, सी खाली स्थान, डबल बी सी खाली स्थान ए है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी पुट करिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही इसका परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि और क्वेश्चन पुट करेंगे और ऑप्शन पुट करेंगे तो काफी समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी पुट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए बी ए सी, तो यहां पर पुट करते हैं ए बी, फिर यहां पर ए सी। अब जरा दोस्तों चेक करते हैं क्या कोई सीरीज बन रहा है क्या।
यहां पर देखेंगे दोस्तों ए बी सी, ए बी सी, फिर डबल ए डबल डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी डबल सी। दोस्तों यहां पर जरा सोचिए क्या चीज है, यहां पर सिंगल है तीनों चीजें, तीनों लेटर क्या है सिंगल है, ए सिंगल है, बी सिंगल है, सी सिंगल है, लेकिन जस्ट अगला पद आया तो ए को डबल कर दिया गया, फिर अगला पद आया तो बी को डबल कर दिया गया, फिर तीसरा पद आया तो सी को डबल, यानी कि ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, डबल ए डबल बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, फिर अगला आता तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ऐसे आगे आपका बढ़ता जाता। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ आपको समझ में आया है, और क्या चीजें नहीं समझ में आई हैं वो चीजें जरूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाए उसमें जरूर आपको दूर किया जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमको थोड़ा सा मनोबल मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन बताए हैं इसी के टाइप के क्वेश्चन देते हैं, अगर ये वीडियो देख करके आपको समझ में आया होगा तो वो क्वेश्चन आप श्योर लगाएंगे, अगर आप लगा लेंगे तो कमेंट में आंसर करिएगा या तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ कितना आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन देते हैं और उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऐसे ही धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ले आएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और देखिए आप लोग लगा पाते हैं या नहीं, लगा पाएंगे तो कमेंट करिएगा, नहीं लगा पाएंगे तो भी कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा समझा दे। अगर लगा लीजिएगा तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ट्रिपल सी है, फिर डबल बी, फिर गैप है, डबल ए गैप, फिर डबल सी गैप, ट्रिपल बी, फिर डबल ए, फिर गैप, फिर सी है। ऑप्शन दिया है ए सी बी सी, बी ए सी बी, सी ए बी सी, फिर बी ए सी ए। तो दोस्तों इसको लगाने का कोशिश जरूर करिएगा, और जो लोग अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पेड का फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भर दीजिए, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। और इस पे अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड, जानकारी से रिलेटेड, तो कमेंट करिएगा, एक और इसमें वीडियो बना देंगे यूपी ट्रिपल एससी पेड से संबंधित, केवल उसमें इसी से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी कि कैसे भरें, भरने से क्या फायदा है, इन सब के बारे में, कब तक एग्जाम, एकदम बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स उसमें मिलेगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो एक बना दूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट जुड़े तो ही आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतने ही पढ़ने में मजा आएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।